युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ महाराज की 52वीं पुण्यतिथि एवं ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ महाराज की 7वीं पुण्यतिथि समारोह के अंतर्गत सामाजिक समरसता में संतों का योगदान संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता दिगंबर अखाड़ा अयोध्या के महंत सुरेश दास महाराज ने कहा कि छुआछूत मिटाओ और देश बचाओ का मंत्र फूंकना होगा। छुआछूत की भावना और धार्मिक संकीर्णता से हिंदू समाज कमजोर होता है, राष्ट्र कमजोर होता है। सामाजिक समरसता को व्यवस्था परिवर्तन का हिस्सा बनाना होगा और सामाजिक समरसता अभियान के लिए शिक्षण संस्थाओं को आगे आना होगा। हिंदू समाज में ऊंच नीच, छुआछूत, नारी पुरुष जैसी विषमताओं का कोई स्थान नहीं है। सनातन हिंदू धर्म ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और ब्रह्मलीन युग पुरुष महंत दिग्विजयनाथ महाराज तथा ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ महाराज तक की महात्माओं संतों की ऐसी परंपरा मिलती है जो सदा इसके खिलाफ संघर्ष करते रहे हैं। भारत में धर्मगुरुओं की एक श्रेष्ठ परंपरा रही है जो संस्कृति में आई विकृति के खिलाफ सदा लड़ते रहे हैं। छुआछूत के खिलाफ भारत में जारी संघर्ष का नेतृत्व आज भी गोरक्षपीठ कर रहा है। इस मौके पर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के राजनीति शास्त्र विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर गोपाल प्रसाद ने कहा कि यह श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हमारे लिए बहुत अविस्मरणीय है। इसमें देश के अनेक संतों का समागम होना गोरखपुर के लिए सौभाग्य का विषय है। समाज में विषय बंधुत्व भाईचारा स्थापित करने और समाज को संगठित करने के लिए मठ मंदिरों के माध्यम से संत ही सबसे आगे आए। जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी वासुदेवाचार्य महाराज ने कहा कि समाज मनुष्य के समुदाय को और समझ पशुओं के समुदाय को कहते हैं। यदि हमारे पास समझ का अभाव होगा तो हम समाज से समझ की श्रेणी में आ जाते हैं। हमें अपनी पूरी समझदारी के साथ समाज को एक रस बनाने का प्रयास करना चाहिए। यह हमारे सामाजिक होने का परम कर्तव्य है। हमें सिर्फ रोटी और बेटी के लिए समाज का ध्यान नहीं होना चाहिए, अपितु प्रत्येक वर्ग के लिए सोचना चाहिए। इस अवसर पर योगी कमलनाथ महाराज, महंत मिथिलेश नाथ जी महाराज, राम मिलन दास जी महाराज सहित अन्य लोग मौजूद रहे। की अखंड साधना, अलौकिक सिद्धि, श्री गुरुभ्यो नमः, हरि ओम। सामाजिक समरसता में संतों के योगदान विषय पर विस्तृत मार्गदर्शन के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूँ दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के राजनीति शास्त्र विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर गोपाल प्रसाद जी को। प्रोफेसर गोपाल प्रसाद जी, श्रद्धेय तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इस बात को बहुत पहले ही उल्लेख किया था कि जो संतों का समागम है वो बहुत मुश्किल से मिलता है। उन्होंने दोहे में कहा कि संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए, दारा सुत और लक्ष्मी पापी हुके घर होए। आज के युग में जो समय चल रहा है इसमें ईश्वर ने हम मानव जाति को विभिन्न संत महात्माओं के, ऋषियों के माध्यम से अपने जीवन को सही रास्ते पर चलाने के लिए समय समय पर इस धराधाम पर भेजा है। और उसी कड़ी में जो नाथ संप्रदाय है, इसके जो महान ऋषिगण हैं, जो महंतगण हैं, उन्होंने अपने त्याग और तपस्या से समाज में जागरूकता, समाज में भाईचारा, समाज में बंधुत्व, आपसी एकता बढ़ाने के लिए अपने अपने माध्यम से, मंदिर और मठों के माध्यम से बहुत ही अविस्मरणीय मानव जाति के लिए काम किया है। और इसी कड़ी में जो गोरक्षनाथ मंदिर है, यह भारत का ही नहीं अपितु पूरे विश्व का सिद्ध स्थापित मठ है। और इस मंदिर के सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और राजनीतिक योगदान के माध्यम से यहाँ के आसपास के लोगों को अपने जीवन में
बहुत से अच्छे कार्यों को करने की प्रेरणा मिलती है। और ऐसे ही महापुरुषों में परम श्रद्धे दिग्विजयनाथ जी महाराज थे, श्रद्धे ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ महाराज जी थे। इन्होंने इस अंचल ही नहीं, पूरे भारत में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में नाथ संप्रदाय का जो सकारात्मक कार्य है उसको आप जैसे ऋषि मुनियों संतों के माध्यम से प्रचार प्रसार करने का अवसर प्रदान किया। इसके लिए हम सभी गोरखपुरवासी आप ऋषि गणों के प्रति हार्दिक जो है अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं और नमन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर गोपाल प्रसाद जी। निश्चित रूप से समाज में उत्पन्न विकृतियों का समन संतों द्वारा ही किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं बड़ौदा गुजरात से पधारे पूज्य महंत गंगादास जी महाराज को सादर आमंत्रित करता हूँ। हमारे भारतीय संस्कृति के जितने भी मनीषी हुए, जितने भी ऋषि हुए, संत हुए, उन्होंने हमेशा यही प्रयत्न किया है और उनके साधना का जो मेन उद्देश्य इस भारतीय संस्कृति को पुष्ट करना ही था। किसी भी जीव को किसी भी प्रकार का मन से, वचन से, कर्म हमारे कर्म से दुख ना पहुंचे, यही उनकी कामना हमेशा रही है। इस भारत भूमि में 700 वर्ष मुगलों ने राज्य किया, उसके बाद अंग्रेजों ने 200 वर्ष तक राज्य किया। इस धराधाम पर उन मलिक्षों ने जहाँ यहाँ राज किया, इसके अनुसार उन्होंने हमारी संस्कृति को धूमिल किया, अनर्गल प्रचार प्रसार किया, अन्यथा हमारे संत और ऋषि महर्षि संत महंत मंडलेश्वर आज तक की परंपरा में उनका यही उद्देश्य रहा है, किसी जीव के साथ हमें किसी प्रकार की अस्पृश्यता, छुआछूत आदि आदि हमारे यहाँ है ही नहीं है। कटक उड़ीसा से पधारे पूज्य महंत शिवनाथ जी महाराज को सादर आमंत्रित करता हूँ। इस देश में विभिन्न जाति, वर्ग और धर्म के लोग वास करते हैं, तो अपना अपना विचार, संस्कार, आचार आचरण भिन्न भिन्न हैं। विभिन्न प्रांत में भाषा भी भिन्न भिन्न भाषा है, भाषाएं हैं, तो ये भिन्नता का अंदर एकता भी है। हम लोग सब हिंदू हैं, भारतीय हैं, लेकिन हमारे विडंबना ये है, गुरु नानक हिंदू थे परंतु सिख हिंदू नहीं है, भगवान बुद्ध हिंदू थे बौद्ध हिंदू नहीं है, महावीर हिंदू थे जैन हिंदू नहीं है, ये हिंदू धर्म से कट गए हैं। यद्यपि हम लोग हिंदू मानते हैं, लेकिन सरकार जो फैसिलिटी देती है माइनॉरिटी के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, इसलिए वो लोग अलग हो गए। और भी दक्षिण भारत में जो लिंगायत संप्रदाय है वो भी कोशिश कर रहे हैं माइनॉरिटी बनने के लिए, अल्पसंख्यक बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो धीरे धीरे कट रहे हैं सब। और जो बचे हुए हैं ये इसमें जातिवाद है, संप्रदायवाद है, भेदभाव है, उच्च नीचे भेदभाव है, और छुआछूत भेदभाव है। इसी तरह हम लोग विभिन्न प्रकार के बटे हुए हैं, तो इसलिए हमारे अंदर कोई समन्वय, कोई एकता स्थापित नहीं होता है। दिगंबर अखाड़ा अयोध्या धाम से पधारे पूज्य महंत सुरेश दास जी महाराज को सादर आमंत्रित करता हूँ। युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत श्री दिग्विजयनाथ जी एवं महाराज श्री राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी की पुण्यतिथि में श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित मंच पर बीतरागी वीरागी त्यागी तपोनिष्ठ आत्माभिराम पुण्यकाम जगत गुरु श्री महाराज जी जिनकी कथा प्रतिदिन हो रही है। और अब मैं कथा व्यास
जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी वासुदेवाचार्य जी विद्याभास्कर जी महाराज को सादर आमंत्रित करता हूं और अनुरोध करता हूं कि अपनी दिव्य वाणी से हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। पूज्य कथा व्यास जी, सामाजिक समरसता में संतों का योगदान, यही विषय है। हम सामाजिक समरसता का क्या अनुभव करेंगे? जो आभिजात्य वर्ग में सिंहासन पर बैठा हुआ व्यक्ति है वो सामाजिक समरसता का क्या अनुभव करेगा? भाई वो तो बैठा ही हुआ है, जो उसके नीचे बैठा हुआ है, जो उसके भी नीचे बैठा है, जो बिल्कुल अंतिम पायदान पर बैठा है, वो न सामाजिक समरसता का प्रत्यक्ष अनुभव करेगा कि भाई हमारी तरफ ये देख भी रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, क्यों गंगादास जी, है नहीं सही बात? अरे भाई जो लोग मलाई खा रहे हैं उनको तो पता ही है कि मलाई का टेस्ट क्या है, जो माठा भी नहीं पा रहा है बेचारा उसको मलाई दी जाएगी तब ना वो जानेगा कि हाँ मलाई का टेस्ट क्या होता है। असली सामाजिक समरसता तो तब होगी ना। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के आदरणीय अध्यक्ष एवं पूर्व कुलपति प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी को सादर आमंत्रित करता हूं। प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी, युग पुरुष ब्रह्मलीन पूज्य महंत दिव्यनाथ जी महाराज की बामनवी एवं राष्ट्र संत ब्रह्मलीन पूज्य महंत वैद्यनाथ जी महाराज की सातवीं पुण्यतिथि का जो एक सप्ताह तक चलने वाला कार्यक्रम है उसके आज तीसरा दिन है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर आज हमने विद्वान वक्ताओं संतों महात्माओं को सुना। संतों महात्माओं का आशीर्वाद मिला और हम तो देश के समस्त संतों, चाहे आदिकाल में रहे हों, वर्तमान में हों या आगे होने वाले हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने अपने उद्बोधन द्वारा, अपने मार्गदर्शन द्वारा, अपने आशीर्वचन द्वारा समरसता का संदेश जन जन तक पहुंचा करके इस देश के अंदर एक रूपता, अखंडता और इस देश को आपने बचाने का प्रयास किया। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। प्रवचन सुने दीनदयाल गोरखपुर विश्वविद्यालय से पठारे प्रोफेसर गोपाल प्रसाद जी का उद्बोधन सुना और जो यहाँ पर कार्यक्रम में आज उपस्थित हैं अयोध्या धाम से पठारे कथा व्यास अनंत विभूषित श्री गुरु रामानुजाचार्य जी स्वामीचार्य जी महाराज, मैं आपका उत्प्रेरक हम लोगों को एक उद्बोधन मिला, मैं आपको प्रणाम करता हूँ और आपके पद में अपना आभार प्रकट करता हूँ आयोजन समिति की ओर से। इसके बाद कटक उड़ीसा के पधारे महंत शिवनाथ जी महाराज, मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बड़ौदा गुजरात पधारे महंत गंगानाथ जी का भी आपको उद्बोधन मिला, मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ, आपका उद्बोधन करता हूँ। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर कृषि के राजनीति विभाग के पूर्व अध्यक्ष और हम लोगों के अत्यंत सुपरिचित और आत्मीय, हमारे तो बहुत ही आत्मीय हैं, अब आपके मुलाकात होने से मैं आनंदित रहता हूँ। आज आपका अच्छा उद्बोधन मिला, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। साथ साथ योगी कमलनाथ जी महाराज, देवीपाटन के महंत विजयनाथ जी महाराज, अयोध्या धाम पधारे महंत रामबिरन दास जी महाराज, महंत गंगादास जी महाराज और महाप्रताप शिक्षा परिषद जुड़े हुए समस्त प्राचार्यों, प्रधानाचार्यों, छात्रों, छात्राओं, अध्यापकों, मीडिया के लोगों, सबके प्रति मैं अपना आभार प्रकट करता हूं और साथ साथ अभिनंदन भी करता हूं। मुझे विश्वास है कि आज इस महत्वपूर्ण विषय से हमारा जो युवक समाज है, जो बैठे हुए बच्चे यहाँ हैं, लाभान्वित होंगे और संतों के आशीर्वाद से उनका भविष्य, उनका मार्ग प्रशस्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कल की संगोष्ठी का जो विषय है संस्कृत एवं भारतीय संस्कृति, इस विषय पर हम सभी को मार्गदर्शन प्राप्त होगा।